कल हम लोगों ने जो पहला भाव पढ़ा था, यानी पहला कस्पल सबलॉर्ड, तो उस पहले कस्पल सबलॉर्ड में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। अब 10-12 मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, जो तो एक तरह से आपके लिए रेडी रेफरेंस का काम करेगा। समझ रहे हैं वो कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरह से आपको यूज करना है, वो आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, स्वयं ही चीजें करनी पड़ेगी। मतलब एक चीज आप ध्यान रखिए कि याद करके आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको चीजों को रिलेट करनी पड़ेगी। स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है क्या? देखिए तो नहीं दिख रहा सर। अभी दिख रहा है। नहीं आया नहीं। अभी दिख रहा है, सिर्फ व्हाइट है सिर्फ। ठीक है, व्हाइट दिखेगा तो हो गया व्हाइट स्क्रीन। चलिए, जैसे पहला कस्पल सबलॉर्ड जो आपका है, जो मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना आपको? हाँ थोड़ा सा, अभी थोड़ा लिखा है। आओ, फर्स्ट सी एस एल लिखा हुआ है ना मैंने, फर्स्ट लिखा सी हाँ एस हाँ बराबर, कोई एल, नहीं, ठीक है। तो अब पहले हाँ कस्पल दिख सबलॉर्ड, रहा है सर। ठीक है, ये पहला कस्पल सबलॉर्ड यदि आपकी कुंडली में 6-8-12 का रिजल्ट दे रहा हो, 6-8-12, ठीक है, जैसे ही आपने देखा 6-12, या फिर आपने देखा 8-12, या आपने देखा 6-8, या आपने देखा 6 और 12, तो ये क्या बताएगा? बैड हेल्थ को बताएगा। ठीक है, मैं इसी थोड़ा समझ लो, इस वीडियो का बाद में नोट्स बना लेना, क्योंकि अभी ये पॉइंट नहीं समझोगे तो फिर आगे सब इसी पे बेस्ड है। पहला भाव हेल्थ के लिए होता है, 6th हाउस डिजीज का होता है, 8th हाउस टेंशन और सर्जरी का होता है, 12th हाउस खर्चों का होता है, हॉस्पिटल का होता है। ठीक है, इसमें हर एक जो भाव होते हैं, ये भावों का जो कनेक्शन है और इसका इंटरप्रिटेशन है, ये भाव के साथ बदलते हैं। यानी ये पहले भाव के रेस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, तो ये बीमारी को बताएंगे, हॉस्पिटल को बताएंगे, सर्जरी को बताएंगे। लेकिन यहीं यदि हम इसको दूसरे भाव के लिए पढ़ेंगे, तो ये बीमारी से इसका लेना देना नहीं है डायरेक्टली, वहां पे ये धन का काम करेगा, धन के नुकसान का काम करेगा, इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीजें, तो इसलिए अभी हम फर्स्ट हाउस के लिए बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो स्वास्थ्य होता है हेल्थ, उसमें समझना है। तो इसमें 6-8-12 सबसे खराब होता है, 8-12 यानी छठा भाव कम हो गया फिर भी ये खराब है, 6 और 8 है फिर भी खराब है, छठा भाव बीमारी, 8वां टेंशन सर्जरी, 6 और 12 है तब भी खराब है। समझ रहे हैं? 8-12 हो ही गया, मतलब इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दिखे तो वो आपके बैड हेल्थ को बताएगा। ये क्लियर? यदि आपका पहला सी एस एल 1-4-10, 1-4 या 4-10, इसको यदि बताए, तो ये वीक इम्यूनिटी हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है, ये और ज्यादा खराब हो गया। मतलब जब आपकी इम्यूनिटी ही वीक हो गई, तो आप जल्दी बीमार होंगे और बीमारी से जल्दी रिकवरी नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो ये चीज ज्यादा आदमी थकान का अनुभव करेगा, वीक इम्यूनिटी के कारण स्किन डिजीज ज्यादा अटैक करती है, दांतें जल्दी खराब होती हैं, हेयर लॉस ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? और कुछ भी बीमारी जो है आपको नॉर्मली, जो ये इन्फेक्शन वाली समस्या होती है वो ज्यादा होती है, जो वायरल बुखार वगैरह होते हैं जल्दी ये लोग उसका अटैक में आ जाते हैं। इम्यूनिटी का ज्यादा पता कैसे चलता है? जैसे मान लो एक साथ दो आदमी बारिश में भींगे, एक को कोई इशू नहीं होगी, दूसरे को क्या हो गया, सर्दी हो गया, बुखार हो गया, अलग अलग चीजें प्रॉब्लम हो गई, यानी उनकी इम्यूनिटी
स्ट्रांग नहीं रही, ठीक है। तो ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है ये वीक इम्यूनिटी को बताता है। जब किसी जातक की इम्यूनिटी वीक हो तो उसको आयुर्वेद की दवाओं का ट्रीटमेंट करना चाहिए, होम्योपैथ की दवाएं हो गई, योग हो गया, समझ रहे हैं, यानी अल्टरनेटिव जो मेडिसिन होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना है, देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है। आज एक आदमी से बात हुई, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, जैसे ही ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप ही का, तो फी पूछा, मैंने कहा भाई 32,000 रुपये, 32,000 फी है कोर्स का, 9 क्लास हुई, आप ज्वाइन आज करते हो तो आज 10वां क्लास होगा और 30 क्लास बाकी है, 30 से 32 क्लास, जो क्लास पीछे हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा और साथ में जो आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं अलग से आपको डाउट क्लास दे के समझा दूंगा, ठीक है। अब वो बोले कि सर आप कुछ PDF वगैरह भी देते हैं, नोट्स भी देते हैं। मैंने बोला मैं कोई नोट्स नहीं देता, मैं सिर्फ वीडियो देता। 32,000 में आप बुक्स खरीदेंगे तो रूम भर सकता है, नहीं काफ़ी बुक्स हो जाएंगे। PDF तो खैर नेट पे चारों तरफ अवेलेबल है, हर तरफ। तो उससे क्या होगा, उससे वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आप किसी से सीखते हो, समझते हो, समझ रहे हैं। कोई भी आदमी जिसने ये समय दिया है, जब चीज़ों को करता है, जब फेलियर के बाद जब वो उसके पास सक्सेस आती है, तो ये सारे दौर गुजरे होते हैं। नहीं जैसे अब यहां मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, अब सोचो आपकी कोई आदमी मुझसे कुंडली दिखाने आया हुआ है, तो ऑलरेडी वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है ना, वो इस जानने के लिए थोड़ी आया है। मैं ये कह दूं कि 1-4-10 दिख रहा है, वीक इम्यूनिटी ये रहेगा, कोई क्यों 3200 रुपये कुंडली दिखाने का देगा, आप ही बताओ। उसको चाहिए ना कि कुछ ना कुछ आप करें, कुछ मदद करें, जैसे भी हो, जिस प्रकार से रेमेडीज बताएं, जो हो। बात समझ में आ रही है। सिर्फ यही कारण है कि बहुत से केपी एस्ट्रोलॉजर सिर्फ सेपरेट केपी या सेपरेट कस्पर इंटरलिंक, मतलब सिर्फ एक पद्धति करने वाले लोग नॉर्मली मार्केट में कंसल्टेशन फील्ड में नहीं टिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है प्रोडिक्शन आपकी सही है, आपने कुंडली के स्ट्रेंथ बाकी चीजें बता दी, यहाँ ऐसा है, लेकिन ऐसा है वो जानने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको उनको बताइए, सही चीजों को जान लेना, बता लेना भी एक रेमेडीज है। अब इसमें क्या रेमेडीज हम करेंगे? अब जिनकी कुंडली में मुझे ये दिखा तो मैंने उनको कहा कि आप अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है उस पे आप फोकस कीजिए, आयुर्वेद पे फोकस कीजिए, समझ रहे हैं, होम्योपैथ पे फोकस कीजिए, क्योंकि इससे इसकी जो दवाएं होती हैं इनका साइड इफेक्ट नहीं होता और ये धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी को, जैसे गिलोय के बारे में आप जानते हैं जो कोरोना के टाइम में काफ़ी प्रचलित हुआ, तो जब आप गिलोय का सेवन करते हैं, गिलोय घन बट्टी आप खाते हैं, आंवले का सेवन करते हैं, मुरब्बा खाते हैं, तो एक समय टाइम इंटरवल लगता है जब उसके बाद आपको वो इम्यूनिटी देता है, समझ रहे हैं। तो मेरा अपना अनुभव है, मेरे साथ 2014 से लेके 2019 सॉरी 2012 13 14 ऐसे, या 13 14 15 इस तरह से, मतलब 2-3 साल, मुझे 3 साल करीब लगातार टाइफाइड हुआ, समझ रहे हैं। जब टाइफाइड होती है तो 4 5 6 इंजेक्शन लेना पड़ता है, फिर दवा भी खाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, 102 103 डिग्री तक बुखार चला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ मैं रहता हूँ, यहीं पे एक आयुर्वेद की स्टोर है, तो वो बताए कि आप गिलोय का टेबलेट खाइए, तो मैंने बोला ठीक है देख लेते हैं। मैंने वो गिलोय की टेबलेट खाई, मे भी शायद 16 से मैंने चालू किया होगा, 16 में 16 17 18 19 20 कोई मतलब मुझे टाइफाइड की समस्या नहीं हुई। कभी कभार एक आध बार कोई बुखार हुआ, फिर छूट गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 21 में मुझे कोरोना हुआ था, जो डेल्टा वेव वाला लहर था, तो बेसिकली कोरोना होने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हुए भी, लेकिन फिर ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि कोरोना के बाद थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक हुई थी, और उसमें मैंने 21 में वो नहीं खाया था दवा गिलोय वाला। 22 में 1.5 महीना तक, 1 महीना से ज़्यादा मुझे टाइफाइड की समस्या रह गई, नवंबर की बात है 22 के, और इस 23 के मार्च में मतलब 18 20 दिन। फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने इधर गिलोय खाना छोड़ दिया हुआ है, मुझे खाना चाहिए, अब मैं लेके उसको चालू कर दिया, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब जो अवेलेबल है उस चीज़ में भी अभी हम प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन क्यों डालेंगे कि भाई ये उपाय कर लो, ये मंत्र जाप कर लो, ऐसा करो, बात समझ रहे हैं। प्रैक्टिकल समझिए, मतलब बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन ये कुंडली आपकी मदद करती है कि आप ये चीज लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे मेरी जहां तक जानकारी है, गिलोय जैसा, जैसे गिलोय आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वैसा कोई एलोपैथ में मेडिसिन नहीं है,
ठीक है, उस तरह का जिसके साइड इफेक्ट ना हो। तो क्या है, जैसा आप ये देखेंगे तो उनको हम ऐसा सजेस्ट करेंगे कि ये आप करो। वैसे ही जैसे ये बंदा आता है जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है और ये बताता है कि स्किन रिलेटेड इश्यूज है, नहीं बार बार चर्म रोग हो रहा है, तो चर्म रोग हो रहा है तो आप चर्म रोग के लिए होम्योपैथ की दवा ज़्यादा बेटर काम करती है। तो जैसे ही ये कॉम्बिनेशन देखे तो आप उनको बताएंगे कि होम्योपैथ की ट्रीटमेंट आप लीजिए, समझ रहे हैं, पीसी हुई जो हल्दी है या तो घर पे पीसा हुआ हो या ब्रांडेड कंपनी की हल्दी हो, मिक्सी में हल्दी मत पीसिए। क्यों, मिक्सी में जब हल्दी पीसा जाता है ना तो वो हल्दी क्या हो जाता है, वो बनने से सब्जी में डालने से पहले ही गर्म हो जाता है, तो उसका औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स की जो हल्दी आती है तो उनका ऐसा मशीन होता है जो गर्म नहीं होता है बनने के दौरान, ठीक, या फिर जैसे वो पहले पत्थर वाले जो सिल्वर लोड़ा होता है ना, गांव में लोग यूज़ करते थे, आज भी बहुत करते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। ये दो चीज़ वो आदमी यूज़ करे, प्रेशर कुकर में दाल बनाना बंद कर दे, जिसको स्किन डिजीज फ्राइसिस वगैरह इसकी समस्या ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि दाल में जो फेन निकलता है ना वाइट वाला, वो उसी में रह जाता है, इसके कारण समस्या ज़्यादा होती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है जो कि हाई बीपी और स्किन डिजीज का कारण भी क्रिएट करता है। तो ये दो तीन चीजें, जैसे आपको कुंडली में ये कॉम्बिनेशन दिखा, इसका मतलब ये आदमी ज्यादा परेशान रहेगा। तो ये दो चार चीजें जब हम उसको सजेस्ट करेंगे तो रिजल्ट मिला। अल्टीमेट मोटिव हमारा क्या है, मतलब एज ए कंसल्टेंट अल्टीमेट मोटिव यही है ना कि हमारे जो क्लाइंट आए उनको रिजल्ट मिले, सिंपल सी बात। इसमें ये कहाँ है कि हम सिर्फ यही कहेंगे कि नहीं भाई राहु कदा खराब है, केतु खराब है, शनि खराब, मंगल खराब, यही थोड़ी कहेंगे, नहीं। तो आप ये भी एक रेमेडी के तौर पे ही हुआ कि वो बंदा भी एलोपैथ की दवाओं में हजारों लाखों रुपए फूंक रहा है, तो उसको हम ये कहेंगे कि अपनी शहर के या आसपास के किसी अच्छे होम्योपैथ वाले डॉक्टर के पास आप जाइए, आपको रिलीफ मिल जाएगा, लाखों हजारों खर्च करने की एलोपैथ में जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। अब ये चीजें कहाँ से किस बुक्स में क्या डाला जाएगा, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही होगा, आपके साथ होगा, धीरे धीरे आप समझेंगे, फिर आप अपने आने वाली पीढ़ी जिसको भी आप पढ़ाएंगे वो ज्ञान आपसे वहां ट्रांसफर होगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज देखिए, वैसे ही यदि किसी को ये कॉम्बिनेशन होने में नॉर्मली इम्यूनिटी वीक है, तो जो छींकने उगने की समस्या बार बार आती है, नहीं एसनोफिलिया बढ़ जाता है, तो इस स्थिति में अश्वगंधा काफी अच्छा काम करता है, ठीक, या बाकी आप मतलब होम्योपैथ का ही ट्रीटमेंट लें या आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लें, इस तरह की जिनको समस्या है वो, ताकि अश्वगंधा का इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं या फिर उस डॉक्टर की तरफ जाएं, ठीक है। इसमें ठीक है, आप अपने दिमाग से जो शनि राहु मंगल जो कराना है कराइए, लेकिन मुझे लगता है कि जब बीमारी हो गई है, स्टार्ट हो गई है, तो बेटर होगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी ली जाए, समझ रहे हैं। उसमें हमें कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। मैं जी समझ पा रहे हैं या कोई इशू है, ठीक है, चलिए आइए। यदि पहला कस्पल सब लॉर्ड आपका CSL 1.5 का रिजल्ट दे रहा हो, 1.5, 9, 11 का रिजल्ट दे रहा हो, 1.5, 11 का रिजल्ट दे रहा हो, मतलब पंचम भाव इसमें सबसे प्राइमरी है, सिर्फ 5 का भी रिजल्ट दे रहा हो, तो ये आपको गुड हेल्थ या हेल्थ रिकवरी को बताते हैं। क्लियर है, गुड हेल्थ या हेल्थ रिकवरी मतलब जो बीमारी है तो उससे उबरने का, निकलने को बताती है। अब ये मैंने आपको सभी सेपरेट सेपरेट कॉम्बिनेशन बता दिए हैं, लेकिन यदि इसमें से मिले जुले कॉम्बिनेशन, यानी 1.5 है साथ में 6.8 भी है, नहीं 1.5 11 है 6.8 12 है, तो क्या होगा, वही मिले जुले कॉम्बिनेशन दिखेंगे, रिजल्ट दिखेगा। 6.8 12 के कारण बीमार होगा, तबीयत खराब होगा, 5.11 के कारण वो सही हो जाएगा, पैसे ज़्यादा खर्चा होंगे, पता चलेगा वो अपने आसपास लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, नहीं फायदा हुआ, फिर दूसरे शहर ले गया। जब भी आपको फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड में पंचम भाव के साथ में 6.12 दिख जाए, 8.12 दिख जाए या सिर्फ 12 दिख जाए, और उस आदमी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसको बोलिए कि अपने शहर से दूर, जितनी दूर वो अफोर्ड कर सकता है, वहां के डॉक्टर से दिखाए, ठीक है।
यानी यदि किसी की कुंडली में पहला सीएसएल पंचम भाव के साथ में 6-12 हो या इसको ऐसे लिखते हैं 6-12 हो 8-12 हो सिर्फ 12 हो ठीक है या 6-8-12 तो इसमें हम क्या कहेंगे कि मतलब जितना दूर ले जाना आप अफोर्ड कर सकते हो उतने दूर उस डॉक्टर से जाकर ट्रीटमेंट कराओ। क्या रीजन है? पांचवा भाव हेल्थ रिकवरी का है, सही है। 12वां भाव दूर जगह को बताता है, अननोन प्लेसेस को बताता है, ठीक है, साथ ही साथ खर्चों को भी बताता है। तो जैसे आप जाएंगे दूर, जहां भी आप रह रहे हैं, वहां से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी नजदीकी शहर है बड़ा हॉस्पिटल है, तो ये इनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, यूटिलाइज होगी, ठीक है। और इस यूटिलाइजेशन के कारण थोड़ा सा ठीक है, बड़े शहर में आप गए तो एक बार पैसा खर्चा भी होगा, ठीक है, क्योंकि 12वां खर्चों का भी है, लेकिन उससे क्या होगा कि बार बार का जो टेंशन है, जो छोटे छोटे खर्चे हैं और वो जो टेंशन बनी रह रही है, तो आप मिलाएंगे इस चीज़ को, देखेंगे कि नॉर्मली आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, वो आदमी जल्दी रिकवर कर जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ भी आपको देखना है। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें कुछ भी जादू वाली चीज़ नहीं है, कुछ भी मैजिकल नहीं है कि हम जादू कर रहे हैं। जो हाउसेज हैं बस उन्हीं के एट्रीब्यूट्स को पकड़ना है। आप अभी सीख रहे हैं, मुझे एक समय बीत चुका है, बस मैंने उस अनुभव को इसमें डाल के वो चीज़ें आपके सामने रखी हैं, लेकिन वो अलग से नहीं है। जो भाव दिख रहे हैं उसी भाव से आधारित है, उसी भाव के सारे घटनाक्रम, ठीक है। कोई दिक्कत है तो सर बताइए। ये बोलिए 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 मनोज जी। सर, ये जो कॉम्बिनेशन आप बता रहे हैं ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है या आप जैसे बता रहे हो कि एक्सपीरियंस किया और आपने क्रिएट किया है कि हाँ मैंने ट्राई मैंने किया? क्रिएट नहीं, मैं अब आपके सामने कह दूं कि नहीं, मैं जो ज्योतिष का जन्मदाता हूँ, मेरी बनाई हुई है। यहाँ लोग 2 दिन होता नहीं है कि अपनी पद्धति एक बना देते हैं, वही है, कृष्णमूर्ति जी की चीजें हैं, बस मैं अच्छा, आपको मेरा प्रेजेंटेशन अलग है, ये आप कह सकते हैं, बस चीजें हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं, मुझे तो लगता है कि इस ऑकल्ट फील्ड का मुझे 1% भी नॉलेज हो जाए तो काफी हो जाएगी। मैं तो 1% में भी नहीं मानता, उतनी भी मुझे नॉलेज है, वो जानकारी है, बस चीजें सब वही है, कृष्णमूर्ति पद्धति के ही है नियम है। मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, देखें, जैसा मैं अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ वही एज इट इज आपको बता रहा हूँ। कोई भी विज्ञान मैं थ्योरिटिकल नहीं देता, मैं प्रैक्टिकल वाला ही देता हूँ, समझ रहे हैं? तो ये चीज है। बोलिए वसुधा मैम, आपका कोई प्रश्न? हाँ वो 12वां भाव वो हॉस्पिटल का भी बताता है, तो एडमिट होना बताता है या सिर्फ हॉस्पिटल जाना ये नहीं, होगा? अभी क्या है कि अब बीमारियों के बहुत सारे स्वरूप बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, तो चेंज हो गए इसमें हर एक केस में बहुत ऐसी बीमारियां हैं ट्रीटमेंट के नए नए। जैसे मान लो किसी का जो स्टोन का ऑपरेशन होता है, पहले लोगों को एडमिट होना पड़ता था, अब एडमिट होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें हो जाती हैं, या दवाओं का बहुत सारा स्टैंडर्ड बढ़ गया, सारे प्रोसीजर। तो अल्टीमेट 12वां भाव हॉस्पिटल का तो चक्कर आपका लगेंगे, है ना, खर्चा तो हो ही रहा है, चीज़ें चल रही हैं। 12वां वो तो है बंधन। हाँ बंधन बोले तो एक आधे बार अपन हॉस्पिटल में एडमिट होना कैसा ये करेंगे? वो अभी वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी चीज को समझिए। 12वां भाव तो हॉस्पिटल भी है, 12वां भाव विदेश यात्रा भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन अब यहाँ पे 12वां भाव खर्चा भी है। तो सिर्फ 12वां भाव से मैं, 12वां आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं भी हो रहे हैं तो हॉस्पिटल तो जा रहे हैं ना, क्या डॉक्टर रोड पे बैठा हुआ है? डॉक्टर जहाँ है वो हॉस्पिटल है। मैं एक आधे पेशेंट एक आधे इसने पूछा जातक ने अपने को कि ज्यादा बहुत बड़ी बीमारी होगी क्या, एडमिट होगी वो तो क्या, बीमारी के नहीं, ऑपरेशन होगा क्या इस सब? ऑपरेशन के लिए तो 8वां भाव है, वो फैक्ट है, ऑपरेशन के लिए 8ष्टम भाव है, लेकिन जो बात आपकी है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने का, वो डिपेंड करती है बीमारी की स्थिति पे, किस प्रकार की है, कैसी बीमारी है। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हम 12वां भाव देखते ही कहेंगे कि तुमको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना होगा, वो आदमी की स्थिति सही भी होगी तो वो सोच के वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं है। जो भी प्रिडिक्शन होता है वो समय काल परिस्थिति पे बेस्ड होता है। कोरोना की जब ट्रीटमेंट मौजूद नहीं थी और उस समय आप कुंडली देखती तो आप क्या कहते, बहुत बड़ी बीमारी है, लोग बोलते थे ना। बाद में क्या पता चला कि 98% इसकी रिकवरी है,
मतलब जिस बीमारी का 98% रिकवरी है, लोग घर में रह के ठीक हो जा रहे हैं, वो कितनी बड़ी बीमारी होगी। तो जो समय परिस्थिति आपकी जहां पे है, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उस हिसाब से उस हाउसेज के ट्रीटमेंट बदलेंगे। 10 साल 15 साल भी लोग किडनी फेल्योर पे आजकल जिंदा हैं कि नहीं है, डायलिसिस होती है लोग जिंदा है, और वहीं ये फैसिलिटी नहीं थी आज से 20 साल पहले 25 साल पहले समय में चले जाइए, तो क्या किडनी फेल वाले लोग इतना दिन जीवित रह पाते? समझ में आ रही है बात? किडनी ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, तो वो चीजें बदलेंगी। आज के जो 20 साल 25 साल पहले जो चीजें खराब थी, जो पहले बच्चों के कुंडली में वैदिक आप पढ़ेंगे तो ये बलारिष्ट योग और अलग अलग बहुत प्रकार की चीजें जो योग निकलते थे, उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट था ही नहीं बहुत सारे जगह पे। मतलब आज से 20 साल पहले के समय को आप चले जाइए, उस समय के ट्रीटमेंट को आप देखिए, तो क्या ऐसा था? जिला मुख्यालय में भी आपको ढंग के हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, और वही सेम चीज आप कंपैरिजन कीजिए कि आप यूरोप में हैं, आप अमेरिका में हैं, तो क्या होगा? वो ट्रीटमेंट मौजूद है ना, या इंडिया में ही है, वो मौजूद है। तो ये समय परिस्थिति के अनुसार चेंज होता है, इस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन बदलता है, ये फैक्ट है। डायलिसिस में चीजें, नई नई मशीनें आ गई हैं, वो भी अब हर जगह होता चला जाए, मतलब शहर में आपका प्रखंड स्तर पे भी चीजें खुल जाए, गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए, तो किडनी फेल भी लोगों के लिए बड़ा इशू नहीं रहेगा। गवर्नमेंट मतलब फ्री इसको कर दे, सोचिए एक तरह ये हो जाए कि किडनी का जो भी आपका डायलिसिस होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल हॉस्पिटल में किया जाएगा, जो आपके नजदीकी 10 किलोमीटर के हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा। अब वही चीज देखिए, पता चलेगा कि जब फ्री हो रहा है तो वही किडनी फेलियर वाला आदमी 20 साल तक जीवित रह गया, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि वो डायलिसिस हो रहा है। इसके ठीक उलट, यदि उसको पैसे दे के करना पड़े, हर डायलिसिस में उसका 3-4-5 हज़ार रुपया देना पड़े, तो मुश्किल से 5 साल भी नहीं जाएगा, कब तक कराएगा? जब तक पैसे होगा, अदरवाइज वो खत्म। तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट कंडीशन और बीमारी की सिनेरियो के आधार पे आप जज करेंगे कि ये एडमिट होगा या नहीं, किस प्रकार की चीजें। अदरवाइज सिर्फ नॉर्मली ऐसा कुंडली हम देख के नहीं कह सकते हैं, 8 और 12 है तो सर्जरी प्लस हॉस्पिटल तो एडमिट होना है, लेकिन बहुत सी सर्जरी ऐसी भी है जो सेम डे आदमी रिटर्न हो जाता है, उसमें भी हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। जैसे स्टोन का ही ऑपरेशन है जो लेप्रोस्कोपी से होता है, या कोई भी लेप्रोस्कोपी वाली जो भी ऑपरेशन है, तो नॉर्मली सेम डे आप रिटर्न हो जाते हैं, नहीं? लेकिन अब क्या आप सेम डे रिटर्न होते हैं तो 4-5 घंटा 8 घंटा आपका हॉस्पिटल में गया कि नहीं गया? गया ना, वो समय तो गए। अब इसको हम क्या समझेंगे? इसको हॉस्पिटल में हम समझेंगे एडमिट होना या नहीं समझेंगे? नहीं, तो वो चीजें डिपेंड की ना, मतलब मेडिकल प्रोसेस के हिसाब से, कि वो चीजें आज सुविधा मौजूद हो गई कि आप 5 घंटे में घर जा सकते हो। इसको उस भाषा में हम जो मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं उसकी भाषा में समझें, तो जब तक वो सलाइन जो चढ़ती है, पानी जो चढ़ाया जाता है, निडिल जब तक नहीं लगेगी तो आपको एडमिट वो नहीं मानते हैं, समझ रहे हैं? मेडिकल इंश्योरेंस जो लोग लेते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, उस हेल्थ इंश्योरेंस की भाषा में वो चढ़ेगा तभी मानेंगे। अब बताइए, तो उनका अपना अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन सामान्य तरीके से इतना समझ लीजिए कि इसमें जो भी 1 नंबर वाला कंडीशन है तो प्रॉब्लमेटिक है ही है, नीचे जो सबसे लास्ट वाला है ये भी प्रॉब्लमेटिक है, ये फैक्ट है। हॉस्पिटल का चक्कर आपको लगेगा, खर्चे होंगे, टेंशन होगा, ये परेशानी चलेगी। प्रश्न कुंडली में जब आप पढ़ेंगे, मान लीजिए प्रश्न कुंडली में ऐसा किसी का प्रश्न आता है कि मुझे 10 दिन से बुखार है, 10 दिन 15 दिन से मैं बीमार हूँ, इस प्रकार से मुझे दिखाने जाना है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर मुझे एडमिट कर लेगा? नहीं, हॉस्पिटल में ऐसा तो नहीं है कि मुझे 2-4-5 दिन एडमिट होना पड़े। इस प्रकार का यदि प्रश्न उसके मन में आता है, तब उस टाइम की जो आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे ना, उस प्रश्न कुंडली में यदि 12वां भाव आता है तो वो हॉस्पिटल एडमिट को बताएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलर उसका प्रश्न ही इस चीज को लेके है कि कहीं मैं एडमिट तो नहीं हो जाऊंगा ना, इसी चीज के लिए। यदि कोई प्रश्न कुंडली में आपको ये बताता है कि मेरा खर्चा तो इस महीने ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो खर्चा वो यही खर्चा सोच के आया हुआ है, तो उसकी प्रश्न कुंडली का 12वां भाव खर्चे को ही बताएगा। लेकिन जो जन्म कुंडली होती है उसमें एक भाव के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, नहीं? तो उसको हमें धीरे धीरे प्रैक्टिकल समय परिस्थिति के हिसाब से जज करना पड़ता है।
अभी इस सिचुएशन जैसे कि इसकी कुंडली में फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड इसमें 12 नंबर यदि आए, इतना तो फैक्ट ही है कि वो हॉस्पिटल में वो एडमिट हो या ना हो, हॉस्पिटल का चक्कर, दवाएं का खरीदना, पैसे का जो नुकसान है वो तो लगा ही रहेगा, वो तो चलेगा, फैक्ट है। बाकी बीमारी के कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से मे भी एडमिट भी होना पड़ जाए, ये चीज चलेगा, ठीक है। अब ये चार सेक्शन आपने पढ़ा सिर्फ मतलब हेल्थ से रिलेटेड। अब इसमें यदि किसी का प्रश्न हो कि किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, वैसे उसके लिए छठा कस्पल सब लॉर्ड भी देखना होता है, सिक्स कस्पल सब लॉर्ड जब आएगा। लेकिन यहीं से हम बताते हैं कि यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में पहला कस्पल सब लॉर्ड फर्स्ट CSL सन है, और ये सन जो है वो रिजल्ट दे रहा है 6 से 12 का, क्लियर है, ठीक है। यानी यदि पहला कस्पल सब लॉर्ड सन होके 6 8 12 का रिजल्ट दे रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि नॉर्मली सन के कारकों को पकड़ लीजिए। सन क्या रिप्रेजेंट करता है, आंखों का कारक होता है, हड्डी का कारक होता है, नहीं, साथ ही साथ हमारे हार्ट का, दिल का कारक होता है। तो जो सन के कारक बीमारियां हैं बॉडी पार्ट्स हैं, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनसे संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब इसमें 6 के साथ 8 और 12 भी है, तो सर्जरी अष्टम भाव, तो मे बी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हार्ट के लिए सर्जरी तो होती ही है ना, नहीं वो चीजें, तो हम ऐसा कहेंगे कि अधिकतम पॉसिबिलिटी है कि आपके कोई सर्जरी का भी सामना करना पड़े, या हड्डी रिलेटेड कोई समस्या है, हड्डी को भी बताता है तो मे भी हड्डी वगैरह टूट गई तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा, तो ये चीजें होंगी, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्लियर है। साथ ही साथ सन आंखों का कारक है, तो मे भी आंखों की रोशनी आपकी वीक हो सकती है, आंखों में जल्दी ही चश्मा लग जाएगा। 8वां भाव सर्जरी का है, तो आंखों में क्या वो लेंस लगाने के लिए छोटी सी मोतियाबिंद वगैरह की सर्जरी होती है, तो मान लो टेंटेटिव यदि किसी का, सामान्य आदमी का 50 55 60 साल में आंखों का ऑपरेशन होता होगा, तो मे बी इस केस में इसका थोड़ा सा और 5 साल पहले हो जाएगा, 45 में हो सकता है, 40 में भी हो सकता है, 40 में भी है, एक आदमी ने कंसल्टेशन ली थी 40 की उम्र में ही उसको हो गया था, ऑपरेशन कराना पड़ा था, समझ रहे हैं। बोलिए महेश जी, कोई समस्या आपको? तो समस्या नहीं, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जैसे कि किसी का फर्स्ट CSL 6 से 12 दिखा रहा है या जो भी पैसे बैड हेल्थ दिखा रहा है, तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, कुछ हाँ, रिजल्ट देंगे। प्रैक्टिकल वे में सही है, प्रैक्टिकल तरीके से हम सोचें तो हम इस आदमी को कह सकते हैं कि आप अपने या फिर हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस। करा के रखो, ज़्यादा बढ़िया है, नहीं क्योंकि खर्चे तो होंगे, उसको ये सब इसको आप रोक नहीं सकते आज के समय में। मतलब आप सोच लो, हेल्थ खराब होने में लोग ज़्यादा परेशान क्यों हो जाते हैं, पैसे खर्चा होते हैं इसीलिए हो जाते हैं ज़्यादा समस्या, नहीं सही है। मतलब एक तबीयत खराब है, आप जा रहे हो और बड़ा बड़ा मेडिकल का बिल आ रहा है, नहीं तुरंत नॉर्मल आप फिजिशियन के पास भी गए, मतलब कुछ भी नहीं है तो मुझे लगता है 4 5 हज़ार रुपये निकल जाएंगे सामान्य तरीके से, 500 700, तो छोटे से छोटे शहर में भी अब नॉर्मल फिजिशियन का फी 500 रुपीज़ हो चुका है, थोड़ा सा बड़े शहर में आप हैं तो 1000 1200 1500 2000 इस तरह से उनका फी है, फिर मेडिकल टेस्ट वो करा लेते हैं जो 2000 से लेके 10 12 15 हज़ार, कुछ टेस्ट जो इतने महंगे महंगे हैं वो भी, मतलब मुझे लगता है एक मैंने पढ़ा था ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी, देखिए आप गए, आपने सिर्फ कहा मेरे चेस्ट में पेन है, पता चला 15 20 हज़ार का वो जांच करा दिया, आपने पैसे दिए भी और मन में यही मना रहे हैं कि रिपोर्ट में कुछ निकले भी नहीं, और वो आपको 15 20 हज़ार 40 हज़ार रुपया खर्चा करा के डॉक्टर बोलेगा चलिए कोई बात नहीं, गैस है, गैस की टेबलेट दे देते हैं, आप खुश हो गए, चलो इस बार आपने मेरी सुन ली, नहीं, और वो चीजें आप कट कुट के आ गए। तो ज्यादा समस्या उस चीज की नहीं है कि बीमार है, समस्या ये होती है कि पैसे लोगों के खत्म हो जाते हैं, नहीं घर भी बिक जाता है, जमीन भी बिक जाती है, तो एक ये जाता है आपने जो सर। दिमाग लगाया अच्छी एनालिसिस है, आप ऐसे सोचना है, सोचना चाहिए, तो हम प्रैक्टिकली इनको इस जातक को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, इससे ये नहीं होगा कि बीमारी रुक जाएगी, इससे ये होगा कि फाइनेंशियल जो आपकी समस्या होनी है उसमें काफी हद तक लाभ रहा मिलेगा। था जी। हाँ नहीं क्लियर जी सर। है, पहला CSL फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड यदि 1 और 11 का रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसा जातक
किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा को पूरा करता समझ रहे हैं, किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा को पूरा करेगा। वहीं फर्स्ट सीएसएल एक भावना हो, फर्स्ट हाउस नहीं हो, सिर्फ 11 हो, तो इसकी इच्छा जो होती है, इसका विश फुलफिलमेंट होता है, वो कहीं से भी हो जाता है, किसी भी प्रकार से। मतलब दोनों में अंतर है, एक और 11 में ये है कि इस आदमी की इच्छा पूरा होगा, लेकिन वो किसी भी हद तक जा सकता है। और जो नीचे वाले में है, एक नहीं है, सिर्फ 11 है, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी हद तक उसको जाने की जरूरत नहीं है, वो उसकी इच्छाएं पूरा होंगी, चाहे उसके माँ बाप करें, उसका दोस्त करे, कोई भी करे, कोई ना कोई आदमी आएगा इसके द्वारा, उसका काम जो सोचेगा नॉर्मली वो पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब एक होने के कारण वो आदमी थोड़ा सा स्वार्थी हो सकता है, थोड़ा सा घमंडी जिद्दी हो सकता है कि नहीं मुझे जो चाहिए वो चाहिए, इस प्रकार की सोच हो सकती है। क्लियर है? मतलब पहला भाव जैसे मैं की भावना आ जाती है, मैं को मतलब अहम सूचक शब्द कहा जाता है, घमंड। वैसे हम बिहारी लोग हम बोलते हैं, हम आ रहे हैं, लोग कंफ्यूज, कितने लोग आ रहे हैं मनोज जी को मान लो कॉल करके, मनोज जी भी यूपी गए हैं महाराष्ट्र की, मान लो कभी जाना हो और मैं कहूँ कि मैम हम आ रहे हैं, तो इनको लगे कितने लोग आ रहे हैं भाई लेकिन हम लोग शुरू से आदत ही बन गई है हम की बात तो एक और 11 मतलब आपकी एक हट के एक जिद को बताता है कैसे पूरा करना है। और 11वां क्या है, मतलब नॉर्मल तरीके से वो पूरा होगा, आप जो सोचेंगे वो पूरा होगा। पहला सीएसएल यदि 2611 को बताए, 2611, 2611 समझ लीजिए, 2711 समझ लीजिए, 2610 समझ लीजिए, मतलब सभी सारे धन वाले नंबर आ रहे हैं ना, और 2611 समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जातक मनी माइंडेड होता है, मतलब इसकी सोच पैसे को लेके, मतलब इसके दिमाग में चलता है कि मुझे धनी बनना है, मुझे ये होनी चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, जो भी काफी पैसा होना चाहिए, पैसा इसके दिमाग में घूमते रहेगा। ठीक है, वो अलग बात है कितना पैसा बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए फिर आपको सेकंड हाउस, छठा, दसवां भी देखना होता है, लेकिन चूंकि फर्स्ट हाउस में ये चीजें आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैसा तो जनरेट कर ही लेगा, इसके दिमाग में पैसे से संबंधित प्लानिंग चलेगी, एफर्ट भी वो उसी हिसाब से करेगा। मतलब इसकी कोई भी काम होगी, कुछ भी करना होगा, तो एक तरह से पैसा उसका केंद्र बिंदु रहेगा, समझ रहे हैं, ये चीज सोच के ही वो करेगा। ठीक है, चलिए यहां तक, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला कसपल सब लॉर्ड, फर्स्ट सीएसएल, यदि पांचवे का रिजल्ट दे रहा हो, पंचम भाव, तो पंचम भाव थोड़ा सा आदमी को आलसी बना देता है, लेजी बना देता है। अब ये लेजी का सेंस क्या है, बेसिकली पांचवा भाव जो है ना वो इंटेलिजेंस का होता है, बुद्धि का होता है, तो ऐसे लोग जो बुद्धि दिमाग चलाते हैं वो शरीर का थोड़ा सा प्रयोग कम करते हैं, माइंड सेट ही उनकी हो जाती है। मतलब यदि बड़ा भाई है, वो माए बाप ने कुछ कहा कि ये काम कर दे, तो वो अपने छोटे वाले पे पास कर देगा, ये थोड़ा सा कर दो, नहीं वो सोचेगा कि बैठने वाला जो काम है, कुछ भी लैपटॉप मोबाइल से जो करने वाला काम है उसको कर दें, बाकी दूसरे से करा लें, तो वो दिमाग वो माइंडसेट हो जाती है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये किस चीज़ का है, ये आपकी इंटेलिजेंस का भी तो है ना, यानी बुद्धिमत्ता का है, बुद्धि का है, तो ये बुद्धि भी देगा, प्रैक्टिकल नॉलेज का भी है, चीजों को प्रैक्टिकली समझने का, नहीं समय परिस्थिति के लाभ उठाने का, उस चीज को सीखने का, ये पंचम भाव होता है। जब पहला कस्पल सवरॉड, फर्स्ट सीएसएल, ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके कहीं कोई रूल नहीं है, कुछ आप इसको लिख याद नहीं कर सकते, दिमाग लगाइए समझिए। थर्ड हाउस क्या होता है, थर्ड हाउस साहस का होता है, पराक्रम का होता है, ठीक है, और तो 3 और 5 जब जुड़ेगा तो क्या होगा, ऐसा आदमी साहसी पराक्रमी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होता है, नहीं
मतलब चतुर और चालाक तो है, साथ ही साथ साहसी भी है, जैसे कि वीर शिवाजी, शिवाजी महाराज मतलब वीर योद्धा, मराठों को योद्धा नहीं, जितने मराठे हैं क्षत्रिय हैं ये सब क्या एक लड़ाकू जातियां, ठीक। लेकिन साथ ही साथ इसमें बुद्धि जब मिल जाए, शामिल हो जाए, तो क्या होता है, ये लोग और खतरनाक हो जाते हैं। नहीं एक जैसे सिर्फ हौसला है, हौसला का मतलब ये है कि अरे हमारे सामने 100 आदमी, हम अकेले तलवार लेके खड़े हो जाएंगे, उससे क्या होगा, ठीक है हौसला है कि तलवार लेके आप खड़े हुए, 5-10 को आपने मार दिया, तुरंत मर जाएंगे। लेकिन इसी चीज को शिवाजी ने, वो क्या छापामार युद्ध की जो पद्धति अपनाई, टेक्निक अपनाई, कि हमें मारना भी है लेकिन थोड़े से बुद्धि की यूज करनी है, नहीं उस हिसाब से कि दुश्मन को अधिकतम क्षति हो, स्वयं को कम क्षति हो, सीधी सी बात है। तो ये 3 और 5 वही देगा, मतलब चतुराई के साथ, बुद्धि के साथ, पराक्रम, हौसला, ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही थर्ड हाउस है तो आदमी का कम्युनिकेशन स्किल होगा, अच्छा होगा, बातचीत की स्किल अच्छी होगी, चीजें जो घूमने फिर मतलब उसको बैठना एक जगह पर पसंद नहीं होगा, काम करते रहें, कुछ भी करें, घूमना, ट्रेवलिंग करना, वो भी तो थर्ड हाउस है ना, घर से दूर, तो वो चीजें भी होंगी। एक हाउस से संबंधित बहुत सारे एट्रीब्यूट्स किसी भी आदमी में होते हैं, बस उसी चीज को पकड़ लेना है, ठीक है। फर्स्ट सीएसएल यदि 5-8-12 का रिजल्ट दे रहा हो या 5-8 का रिजल्ट दे रहा हो, तो ये थोड़ा सा हार्डशिप का है, जीवन में कठिनाइयों का है, परेशानियों का है, स्ट्रगल का है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या है, थोड़ा सा फेलियर जीवन में ज्यादा आती है, ज्यादा परेशान होते हैं, अपना बुद्धि का यूज सही से नहीं कर पाते हैं, किसी पे भरोसा हो के पैसे का नुकसान करा लेंगे। मतलब होता क्या है, जैसे जो मैंने अब तक अपने कंसल्टेशन के अनुभव में समझाया, ये लोग जैसे मान लो अब आपके पास पैसा है, आपने किसी काम के लिए रखे हो कि 6 महीने बाद मुझे ये काम है, अब पता चला आपका कोई रिलेटिव आएगा या कोई फ्रेंड आएगा, वो ये कहेगा अरे उसको पता है, या नहीं भी पता तो मतलब आपके सामने रखा कि मुझे काम है, मुझे कहीं से पैसे आप मिल जाती है, आप दे दो, आप मुझे 5 लाख दोगे तो मैं आपको 5.5 करके या 6 लाख करके दे दूंगा, मेरा ये प्रॉफिट वाला काम है। और आप भी सोचोगे अरे मुझे तो 6 महीने बाद का काम है ना, आप दे देते हैं, पता चलेगा या तो उसका काम डूब गया या उसकी नीयत खराब हो गई, वो गायब हो गया। अब सोचिए बैठे बैठे बिठाए बिना काम के वो, ये कहानी ये नहीं होती कि आ बैल मुझे मार, ये लोग खुद बैल के पास चले जाते हैं, उठा के पटक दे, समझे, मतलब बैल को बुलाने वाले भी स्थिति नहीं है कि वो आएगा, ये लोग खुद ही चले जाते हैं खींचे हुए, मतलब कहीं कोई मतलब नहीं था, वो आया या तो उसने पैसे की लालच दी, या फिर आप इमोशनली ब्लैकमेल हो गए, किसी न किसी प्रकार से आप दूसरे की समस्या के कारण परेशान हो गए, खत्म हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आपने दिमाग नहीं लगाई कोई भी काम, जैसे किसी ने को देखा कि इसका अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये चीज अभी उसी में कूद गए, भले आपको उसका XYZ नहीं पता और उसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये चीजें जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल ज्यादा देखने को मिलती है, ये परेशानी। अब जब लग्न का कसकर सलॉट 5-8-12 या 5-8 से जुड़ जाता है ना, तो नॉर्मली इसका स्ट्रेंथ वीक हो जाता है। वीक स्ट्रेंथ होने से क्या होगा कि अब ये फर्स्ट हाउस आप ही है ना, मतलब आपके सारे जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो आप ही के ऊपर निर्भर है, किस प्रकार के आप डिसीजन ले रहे हो। तो इसलिए बाकी भाव यदि अच्छे हैं भी, दशा अच्छी भी है, तो चूंकि फर्स्ट हाउस तो हमेशा एक्टिव रहता है ना, तब भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आपका डिसीजन ही गलत हो जाता है। फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस का है, उसी का आप सही प्रयोग नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या सजेस्ट करते हैं, क्या रेमेडीज होगी, कि भाई तुम किसी से भी कुछ भी, तुम्हारे घर परिवार में चाहे अपनी जीवन साथी या वाइफ है या कोई लेडीज है, तो उसको बोलेंगे आपके हस्बैंड है, तो अभी मदर फादर है, ब्रदर है, फ्रेंड है, कोई ना कोई आपका तो एक जीवन में होगा घर में, तो उससे आप कोई भी डिसीजन करने से पहले आप थोड़ा सा राय लो, पूछो, समझो, प्रैक्टिकल जानकारी उठाओ, मतलब जल्दबाजी मत करो कुछ भी, समझ रहे हैं। मतलब मान लो ऐसे लोगों के पास ऐसे भी ऑफर आते हैं, अरे एक कंपनी आई है, 1 करोड़ लगाओ, 1 महीने में 2 करोड़ हो जाएगी, आज ही ऑफर, आज नहीं लगाओगे तो फिर खत्म, अरे वो 100 करोड़ हो जाए, मैं आज नहीं लगाऊंगा, मैं भले कल लगाऊंगा, छोड़ दो, नहीं चूंकि लगाओगे तो जाना है, जो 1 करोड़ रख के वो भी चला जाएगा। तो ऐसे लोगों को हम ये कहेंगे कि कुछ भी करने से पहले थोड़ा अनुभवी आदमी जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी हो, भरोसा करने लायक हो, उससे आप सलाह करो, राय लो, तब आप काम करो। उससे ये होगा कि
वो चीजें एक तरह से एक बैरियर आ गई ना, साथ में पंचम भाव विजडम का, इंटेलिजेंस का, वो आदमी आपको बताएगा, ब्रशअप करेगा आपके माइंड को, तो लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, हाँ हमें इस तरह से करना चाहिए, तो उसमें काफी हद तक आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें कैसे चेंज हो रही हैं? अब देखिए, बहुत बार लोगों का ये दिमाग में आता है कि अरे कुंडली में जो लिखा होगा वो होगा, लिखा होगा वो होगा, लेकिन समय के साथ सिनेरियो चेंज हुआ है। अब इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप बच्चे को पढ़ाना छोड़ देंगे, उसके भाग्य में लिखा होगा तो डॉक्टर बनेगा, तो गवर्नमेंट स्कूल खोलना बंद कर दे, फिर स्कूल नहीं होना चाहिए, भाग्य में होगा तो आदमी डॉक्टर बने। बात समझ रहे हैं? कर्म और भाग्य जुड़े हुए हैं, भाग्य में डॉक्टर बनना लिखा होगा तो वो डॉक्टर बनेगा, तो इस भरोसे अब इसी चीज को गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर दे कि हम जितने भी स्कूल कॉलेज हैं सब बंद कर देते हैं, जब भाग्य में होगा आदमी के तो बन जाएगा। ये बात हुई, बोलिए, नहीं हुआ ना ऐसा? कर्म तो करना है, तो यही चीज इसमें होगी, इसके कर्म को हम डाइवर्ट करा रहे हैं कंसल्टेशन में, कि किसी से आप समझो, कोई आदमी जब आपको बताएगा, जब आप किसी के गाइडेंस में काम करोगे, तो ये हार्डशिप और स्ट्रगल आपकी कम होगी। क्लियर है? बोलिए मनोज जी, महेश जी। सर मैं क्या बोल रहा था, जैसे अभी 5 8 12 है तो व्यक्ति लेजी होगा, 5 नंबर से इंटेलिजेंट भी होगा, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी इंटेलिजेंट ही उसके खिलाफ हो जाए, अच्छा, आठ मतलब पांच आठ आठ बारह में, हाँ तो वही ना, गलत डिसीजन ले ले रहा है। तो उसको लगे कि मैं ही सोचता है होशियार कि जो हूँ। मैं सोच रहा हूँ वही सही है, हाँ हाँ उसको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वही सही है, इसी के कारण नुकसान हो जाना है। फिर उसमें सर ऐसा भी हो सकता है कि 8 नंबर का जैसे कि भाव है, रिसर्च का भी रहता है 8 नंबर से, एस्ट्रोलॉजी भी उसी से हम कंसिडर करते हैं, तो अगर वो बंदा इसी फील्ड में आ जाए 5 8 10, तो आप जब से कंसल्टेंसी करते तो वो चीज़ें भाव आपके लिए पॉजिटिव में होगी दोनों, तो अब ये पॉजिटिव व्यक्ति होती है, का रिजल्ट नहीं बदलता है, एस्ट्रोलॉजर फेल नहीं होते हैं, एस्ट्रोलॉजर के साथ स्कैम नहीं होता है। तो फिर अल्टीमेट क्या सोल्यूशन, क्योंकि ये तो अरे लाइफ अल्टीमेट टाइम क्या रहेगा सोल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ। थोड़ा चेंज होगा, आपने जो बताया कि वो चेंज हो जाएगा, चेंज खत्म नहीं होगा, नहीं खत्म नहीं होगा, जैसे कुछ हद तक उसको राहत तो मिलेगी ना राहत जैसे। मिलेगी, ये बात है। बाकी वो कोई सोचे कि पूरा कंप्लीट बदल जाए तो ऐसा नहीं बदलेगा। अब इसका मतलब ये हो जाए कि 6 8 12 जैसे फर्स्ट कंसर्न सब लॉर्ड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को बताता है, अब कोई ये कहे कि आदमी डॉक्टर बन जाए, तो क्या डॉक्टर बीमार नहीं होते? डॉक्टरों की सर्जरी नहीं होती, बताइए है ना? ये अलग बात है कि डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन से आप जुड़ जाते हैं, तो ऐसे है जो आपको ज्यादा परेशान करेगा, मेंटली टेंशन ज्यादा देगा, तो वो चीज उस टेंशन को कम करेगा। नहीं, जैसे कभी आप किसी एक दिन चले गए, लोग कोई मर गया, कोई डेथ किया, तो उसकी शमशान घाट पे उसका तो दाह संस्कार किया जा रहा है, उस चीज को देख के आपका मन विचलित हो गया। वहीं आप बनारस में चले जाइए, देखिए लगातार वहां चिता की आग ठंडी ही नहीं हो रही है, लगातार जल रहा है जो उस काम को कर रहा है, तो क्या वो मन उसका विचलित होगा, आप बताइए? नहीं, पता चल रहा है रोज नहीं सुबह से शाम तक तो 5 10 15 20 लोगों को लगातार वो उनका दाह संस्कार कर रहा है, तो उसका क्या मन विचलित होगा? आपके लिए जब वहां होगा, बैठ के देखने लगे तो क्या विचलित होगा, आपके लिए सामान्य घटनाक्रम हो जाएगा। तो माइंडसेट बदलता है, रिजल्ट वो चीज चेंज नहीं होगा, क्योंकि तो डॉक्टर भी बीमार होते हैं, उनका भी ऑपरेशन होता है, ज्योतिष भी बर्बाद होते हैं, वो भी ठगे जाते हैं, ये चीज होना है। लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट बदलेगा तो चीजें चेंज होंगी ना, मतलब जो चीज आपको अब दुखी वाला लग रहा है, दुख देने वाला, हो सकता है वो आपके लिए सामान्य घटनाक्रम लाएगा। ठीक है, बाकी देखिए, मैं इसलिए आपको कंफर्म किया क्योंकि कई लोग समझते हैं ना, कहीं कहीं वीडियो देखो इतने इंस्पायर हो जाते हैं, वो सीधा छूट के बाद आ देते हैं, नहीं इस तरह से कर लोगे तो हो जाएगा, क्यों? तो इसका मतलब उस चीज में नहीं है, नहीं मतलब 6 8 12 देख के प्रश्न हो सकता है ना कि वो आदमी डॉक्टर हो, तो इसका मतलब तो डॉक्टर बीमार नहीं होगा फिर, नहीं ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। ठीक है, माइंडसेट में परिवर्तन आता है, ये फैक्ट है। और बाकी ज्योतिष तक जो पहुंचते हैं, उस तक जन्मते जन्मते कोई ज्योतिष तो नहीं बन जाएगा, 5 10 15 20 साल में तो कोई ज्योतिष नहीं बनेगा, आगे जो सामान्य जीवन है, घटनाक्रम है, जो एकेडमिक्स पढ़ाई है, जो चीजें करनी है वो तो करेगा, तब तक तो ये तो झला देगा ना चीजें। ठीक है, ज्योतिष बनने के बाद भी आप ज्योतिष बन गए, लोग पैसे ही नहीं दे रहे हैं।
जाना है। मैंने इस क्लास शुरू की, पहले क्लास में ही चीजें बताई थी, पहले या दूसरे में, ज्योतिष सीखना, जो नहीं अलग मैटर, सीखना और करना। और करना प्रोफेशनली वो अलग मैटर। कुछ लोग इंडिया के हाईएस्ट पेड एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट है, और कुछ लोगों को 51 रुपया में कुंडली देखनी पड़ती, मांगना पड़ता है कि आप 51 रुपया दीजिए हमको। नहीं, दोनों में अंतर है ना। जी अब बहुत आप ये चाहते हो अंतर कि अपनी किसी भी समस्या के लिए, बिजनेस समस्या के लिए, आर्थिक समस्या के समाधान के लिए मुझसे संपर्क करें और 51 रुपया में कुंडली दिखाएं। आपकी अपनी आर्थिक समस्या दूर करने की आवश्यकता है ना पहले, दूसरे के दूर करने से पहले अपना तो पहले कर लें, कि आपको घूम घूम नहीं कहना पड़ेगा भाई 51 रुपया में कुंडली दिखा लीजिए। बात मेरी सही समझ बात। रहे हो आप? जी सर सीख जाना से सिर्फ मैटर सॉल्व नहीं होगा, वो चीज ये आपका पीछा करेगी, 5 8 12 और 5 8। ठीक सर, है। ये 8-12 जो है वो हाँ हेल्थ रिलेटेड ऊपर जो फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन है, अब इसमें सिर्फ 5 ऐड होने से इसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई है, मतलब ये इसका जो इंटेलिजेंस है वो खराब हो गया, तभी करेक्ट। हाँ तो अगर सही। इसके बुद्धि पे काम करें तो काम नहीं होगा। अच्छा तो वही ना बताएं कि लोगों का गाइडेंस लो किसी से कोई काम करने से पहले। हाँ, अच्छा खुद पे अप्लाई नहीं करना है उसको। लोगों से गाइडेंस लेंगे तो वही हुआ ना। मतलब जो चीज की जानकारी आपको नहीं है, कुछ करना है, आप पूछते हो किसी से, समझते हो, तो वो आपको कुछ गाइडेंस देगा तो समझ में नहीं आएगा कि ये बात है प्रैक्टिकली कितना सही है कितना गलत है, समझे? तो ये चीज है। चलिए तो आगे बढ़े। बढ़ते मोहन सर, कुछ पूछना होगा तो बोलिएगा। बताइए। सर, ये जो सिग्निफिकेटर है कोई भी, जैसे जी अभी हर शिप का 5/12 है, ये जी बता सिर्फ उस पर सब लॉर्ड का है कि स्टार लॉर्ड सहित का है? रहे हैं। अब जैसे देखिए, ये आप यहाँ पे नाड़ी सिग्निफिकेटर्स खोल लेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? नहीं अभी नहीं आया। एक मिनट, कहाँ गया वो? स्टॉप शेयर, रुकिए, फिर से न्यू शेयर करना पड़ेगा, 1 मिनट। आप बोल दीजिए सर, समझ जाएगा। नहीं, मैं दिखा देता हूँ उसमें, उससे प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये नाड़ी सिग्निफिकेटर दिख रहा है क्या? थोड़ा सा देखे तो हाँ सर, दिख रहा है, दिख दिख रहा है। रहा। अब इसी में देखिए, ये राहु के परिवार में देखिए, राहु में, इस राहु में देखिए तो इसके स्टार में 5 और 8 है, और जुपिटर में देखेंगे तो उसका स्टार वीनस बना हुआ है, इसमें भी 5 और 8 है। तो वो अब है क्या? और वहीं इस वीनस को देखिए तो वीनस में सिर्फ प्लेनेट लेवल पे 5 और 8 है। नहीं, अब प्लेनेट लेवल पे कॉम्बिनेशन रहेगा तो ये वीक होता है, स्टार लेवल पे होगा तो ये प्लेनेट वाले से ज्यादा पावरफुल होगा, और सब लेवल पे होगा तो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। समझ रहे हैं? रिजल्ट तीनों ही लेवल पे मिलेंगे, प्लेनेट लेवल पे उसका रिजल्ट वीक होगा, स्टार लेवल पे ज्यादा पावरफुल होगा, और सब लेवल पे सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। अब यहीं पे हम एज फॉर एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि यदि मान लीजिए किसी की कुंडली का, जैसे महेश जी की कुंडली का पहला कसपल सब लॉर्ड वीनस है, ठीक है, अब वीनस है तो वीनस का 3 5 8 रिजल्ट यहाँ दिख रहा है, तो अब इस रिजल्ट का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, साथ ही साथ थर्ड में हमने डायरेक्ट यहाँ कम्युनिकेशन ही क्यों कही, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से थोड़ा सा उसके कारक भी ऐड हो जाते हैं। जैसे मंगल होता तो डायरेक्ट मंगल किसका है? स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कारक है, नहीं फायरी प्लेनेट है। सूर्य होता तो वो भी वही चीज है, जबकि ये शुक्र है तो थोड़ा सा सौम्य ग्रह है, तो नॉर्मली ऐसा आदमी कला कौशल बोलने का, वैसे थर्ड हाउस पराक्रम का तो है ही, लेकिन ये वाली शुक्र वाली एक्टिविटीज थोड़ा सा ज्यादा दिखेंगी। पंचम भाव भी, पांचवा भाव सुख शोक का भी है, साथ ही शुक्र ऐड हो गया तो थोड़ा सा और सुख शौक की इच्छा ज्यादा हो जाएगी।
अब ये आठवां जुड़ गया, अब ये आठवां क्या करेगा? तीन और आठ के कॉम्बिनेशन को जब जोड़ेंगे तो आपके कम्युनिकेशन के कारण ही, बातचीत के कारण ही समस्या क्रिएट हो सकती है। मे भी आप अच्छा बोलते बोलते कुछ खराब बोल दोगे। पांच और आठ आपके सुख शौक ही आपके लिए समस्या खड़ी कर देंगे। हो सकता है मे भी थोड़ा सा आदमी ज्यादा लापरवाह किस्म का हो जाए। पांचवा भाव बुद्धि का है, तो बुद्धि आप सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, ज्यादा अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे, जिसके कारण आप गलती कर देंगे। ठीक, अब ये तीन पांच आठ के इंटरप्रिटेशन हुआ। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इस मर्क्यूरी में आते हैं, अब मर्क्यूरी चार छः सात का रिजल्ट दे रहा है, तो फोर्थ हाउस का हम समझें तो फोर्थ हाउस यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, यदि एजुकेशन वाली बात करें तो अच्छा होगा, घर गाड़ी का भी सुख है वो मिलना है। सिक्स हाउस है तो सिक्स हाउस चूंकि फर्स्ट हाउस से रिलेटेड मैटर है तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी देगा, छोटी मोटी समस्या देगी, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। सप्तम भाव फ्रेंडशिप का, बिजनेस का, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। फाइनल क्वालिटी सब लॉर्ड बताएगा। जब सब लॉर्ड सन में जाते हैं तो सन में पाँच और छः है, तो ये पंचम भाव क्या है? फिर अगेन बुद्धि का है, बीमारी से रिकवरी का है, छठा भाव भी है। यानी यदि हेल्थ वाले मैटर के लिए हम देखें तो ये कहेंगे कि बीमारी होगी और आप सही हो जाएंगे, क्योंकि सब लेवल पे पंचम मौजूद है और जो आठवां है वो सिर्फ प्लेनेट लेवल पे है जहाँ इसका पावर कम है। यानी इस केस में हम ये कहेंगे कि महेश जी को शुरू में थोड़ा सा गलती करेंगे लेकिन फिर बाद में सुधर जाएंगे, सुधार हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, वो सुधार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये प्लेनेट लेवल पे है, इसका स्ट्रेंथ कम है और इस निगेटिव का कोई भी सपोर्ट स्टार और सब लेवल पे नहीं मिला, यानी स्टार और सब लेवल पे कहीं भी आठवां भाव नहीं मिला। अब इसी चीज को हम समझते हैं इस फैक्टर में कि यदि पहला कसपल सब लॉर्ड आपका केतु है, ठीक है, अब सिर्फ पांच और आठ वाले को हम बता देते हैं, पूरा इंटरप्रिटेशन करेंगे तो फिर वही चीजें भाव का ही। अब पहला कसपल सब लॉर्ड आपका केतु है, तब देखिए प्लेनेट लेवल पे पांच और आठ और इसके सब लेवल पे भी पांच और आठ, यहां पांच और आठ ज्यादा पावरफुल हो गया ना, तब हम ये कहेंगे कि ऐसा आदमी ज्यादा समस्याओं में आएगा, जीवन में ज्यादा परेशानियां रहेंगी, गलती पे गलती कर सकता है, बार बार इसको लगेगा हम जो सोच रहे हैं वही सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है, पैसे का नुकसान हो जाएगा। नहीं, साथ ही साथ पांच और आठ प्रेम संबंधों का भी है, अफेयर का भी है, तो टीनेज वगैरह में हम देखें तो उस स्थिति में ज्यादा लव अट्रैक्शन की तरफ झुकाव होगा, क्योंकि पांच और आठ ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, पावरफुल हो गया। क्लियर हो रहा है मोहन जी? जी बताइए। सर, जी उसी चीज को फिर अब इसमें समझ लीजिए, जुपिटर में, जैसे जुपिटर में देखते हैं, जुपिटर में एक और दस है, इसका स्टार तीन पांच आठ है और सब लेवल पे फिर जुपिटर एक और दस है। अब प्लेनेट लेवल पे एक दस है बहुत अच्छा है, यानी पहला कसपल सब लॉर्ड आदि आपका जुपिटर है, एक और दस यानी जातक स्वयं, दसवां यानी मान सम्मान प्रतिष्ठा, दसम भाव प्रतिष्ठा का होता है, ब्रांडिंग का होता है, यानी ये आपको अच्छा लगेगा, पसंद करेंगे, नेम फेम आप चाहेंगे। स्टार लेवल पे आते हैं तो वीनस है, तो तीन पांच आठ वाली भी क्वालिटी आपको मिलेगी, पांच और आठ जो थोड़ा सा स्ट्रगल का है, असफलताओं का है, फेलियर का भी है, लेकिन थोड़ी सी गाड़ी डगमगाएगी फिर आपको एक और दस का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगा। नवम भाव पिता को होता है, टेंथ हाउस पिता के धन का होता है, समझ रहे हैं? फादर के चूंकि नवम से दूसरा होगा ना टेंथ हाउस, तो उनके धन का होगा, और टेंथ हाउस आपके स्वयं का भी धन का होता है, दो छः दस के भाव के हिसाब से हम देखें तो। नहीं तो इंड प्रोडक्ट ये होगा कि जैसे आप नुकसान करेंगे लेकिन फिर आपको लाभ मिल जाएगा, आप सुधार कर लेंगे, यानी किसी का हो सकता है यहीं पे आपको समय पे बुद्धि आ जाए कि मुझे कुछ कर रहा हूं तो मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जुपिटर ऐसे भी ज्ञान का कारक है, तो वो ज्ञान आपको दे दे कि अरे नुकसान उठा लिए, किसी से पूछ लो, समझ लो ये काम नहीं करना। तो इस स्थिति में यहाँ पे एक दस चूंकि पॉजिटिव है तो ये तीन पांच आठ नुकसान कराएगा लेकिन फिर एक दस आपको जल्दी से समझा देगा। ठीक है, जब इस तीन पांच आठ के डिफरेंट पोजीशन आपने समझा, वीनस में आपने देखा तो वीनस वाला तीन पांच आठ सिर्फ प्लेनेट लेवल पे, मतलब पांच और आठ को हम सिर्फ समझे, तो प्लेनेट लेवल के होने के कारण शुरुआत में थोड़ी सी समस्या क्रिएट करेगा, बाद में आपका सही हो जाएगा, विशेष आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब आप जुपिटर को देखते हैं, जब ये स्टार लेवल पे है तो क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगा और लास्ट में आपको ऐसा लगेगा, कहीं से बुद्धि मिल जाएगी, समझ आ जाएगा कि नहीं हमें इस चीज को सुधार लेना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, तो आप नुकसान के बाद संभल जाएंगे, नुकसान के बाद संभल जाएंगे।
और जब केतु की हम बात करते हैं तो केतु के बाद में क्या होगा, ये 5 और 8 दोनों जगह पे है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब काफी हर तरफ से आप निराश हो जाएंगे, डूब जाएंगे, फिर आप पता चलेगा आप ज्योतिष के पास गए हैं कि 40 साल उम्र हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, अब तक जीवन में कुछ नहीं किया, हर तरफ से निराश हो गया, सारे काम ट्राई किए, तो पता चला 50 वर्ष में क्या करेंगे। एक आदमी मुझे मैसेज करता है कि सर आपका गाइडेंस चाहिए, कुंडली दिखाना है। मैं बोला भेज दिया मैंने कि 3200 रुपये में कुंडली का लेता हूँ। तो बोल रहा है कि आपके गाइडेंस से अभी मैं जवान हूँ, इनर्जेटिक हूँ, जीवन में सब कुछ पाना चाहता हूँ, 52 ईयर्स उम्र हो गई थी। मैंने बोला काम क्या करते हैं, क्या सैलरी है, तो बोला 10,000 रुपये कमाता हूँ। मतलब जवान है, इनर्जेटिक है, 10,000 रुपये महीने में, 10,000 में क्या पा लेंगे आप जीवन में, मतलब सोचिए। प्रैक्टिकल बात हम फोकस करेंगे ना, तो मान लो 3200 मैं तुमसे ले लूँ कुंडली देखने का, अब फिर तुम कहोगे अरे आपने तो कहा था, मतलब आप सोचिए कि 50-52 साल की उम्र तक आप 10,000 रुपये में ही कमाते हुए रह गए, यानी आपको लगा कि वो संतुष्ट है, तो फिर ये बेकार का फेंकने का कोई मतलब है कि हम सब कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, मिलेगा, मतलब क्या आप ही सोचो ना, आज के समय में आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो क्या क्या आप हासिल कर लेंगे, नहीं, तो इसका मतलब अब एक तरह से खत्म ही कर लिए सब, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं, तो वो सिचुएशन ये होती है। इससे भी ज्यादा खराब कब होगा, जब तीनों ही लेवल पे 5-8 5-8 हो जाए, प्लेनेट पे भी, स्टार पे भी, सब लेवल पे ही, तो एकदम डुबा के ही आदमी मानेगा। नहीं, अब क्या है कि ये कुंडली आपके पास शुरू में आ जाए, जब बच्चा है 5 साल 8 साल 10 साल का, उस समय तो क्या होगा, तो क्या चेंज हो सकती है। चेंज ग्रह को आप कुंडली में नहीं चेंज कर सकते, उसके गार्जियन को हम बताएंगे, तो गार्जियन को चीजें बताएंगे, समय समय पर मोटिवेशन काउंसलिंग चीजें होंगी, बदलेंगी, तो अच्छी आदतें भाग्य भी बदल सकती है। नहीं, चीजों को हम कहें, जो महामृत्युंजय मंत्र की रचना इसी चीज के लिए हुई थी ना, उनका अल्प आयु उम्र था, पिता ने रचना की महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते रहना है, कि जब यमराज धर्मराज आएंगे तो महामृत्युंजय मंत्र सुन के गायब हो जाएंगे, वो थोड़ी सटेंगे तुम्हारे पास। यानी आदतों को बदला, कोई भी आदमी आए तो उसको प्रणाम करो, जब प्रणाम करें तो आयुष्मान भव, यमराज के मुंह से भी निकल जाए आयुष्मान। अब आयुष्मान का मतलब कि आयुष्य, जीवन, लंबे समय तक जियो, तो कैसे मारेंगे, अच्छी आदतें की बात हो रही है, तो उस पर हम फोकस कराएंगे। तो बच्चा है, जब उस चीज पे आप फोकस कर देंगे, समय परिवेश उसका ऐसा मिल जाएगा, तो काफी हद तक वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, हो जाएगा, नहीं लेकिन खत्म नहीं होगा। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, 1 मिनट। क्लियर है मोहन सर, और कोई क्वेश्चन है आपका तो बोलिए इसमें। जो भी कॉम्बिनेशन आपको देखना है, वो उस प्लेनेट, स्टार और सब लेवल पे तीनों पे देखना है, बस उसका स्ट्रेंथ का ध्यान यहीं रखिएगा कि प्लेनेट लेवल पे जो होगा वो थोड़ा सा कम पावरफुल होता है, स्टार वाला ज्यादा पावरफुल होता है, और उससे ज्यादा सब वाला ज्यादा पावरफुल होता है। नहीं, साथ में इस चीज को आप ऐसे भी समझ लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, इस मर्क्यूरी में यहाँ पे 8 होता, 5 की जगह 5 के साथ 8 होता, ठीक है, आइए, ठीक। अब 4 6 7 तीनों अच्छे ही रिजल्ट है नॉर्मली, कोई इसमें इशू नहीं है, 5 और 6 भी अच्छा ही है, फाइनेंस के यदि मैटर्स हम देखें इस हिसाब से कैसे अच्छा है, जैसे मान लो पंचम भाव कंसल्टेशन का काम होता है, हीलिंग का काम होता है, ज्योतिष का काम होता है, टीचर वाला काम होता है, समझ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो काम है, जो भी दिमाग से होने वाली जितने भी काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, ये सारे इससे संबंधित है, और छठा पैसा, यानी उससे आप पैसा जनरेट करते हैं, इसकी क्वालिटी बताना है 5 और 8, यानी ये सब यहाँ पे प्लेनेट लेवल से अच्छा आप करते आ रहे हैं, स्टार पे अच्छा करते जा रहे हैं, जैसे ही सब लेवल 5 और 8 आता है तो ये क्या करेगा, ये रिजल्ट को खराब कर देगा, यानी लास्ट में ही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। जैसे प्रैक्टिकली हम समझे कि मान लो आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आपकी ये कुंडली है, और इसमें हमारे मर्क्यूरी को समझना है, यानी पहला कस्पल सब लॉर्ड आपका मर्क्यूरी है, ठीक है, तब हम क्या देखें, 4 और 6, यानी घर पे रह के भी आप पैसा कमा सकते हैं, घर के आसपास में कोई काम धंधा आपका हो सकता है, चौथा भाव वास्तु का भी है, यानी वास्तु के आप सर्विसेज देके, कंसल्टेशन देके पैसे कमा सकते हैं, इसमें 7 नंबर जुड़ गया तो ये भी है कि जैसे वास्तु ज्योतिष से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जेम स्टोन्स वगैरह होते हैं, वास्तु के पिरामिड वगैरह जो भी सामान है, वो बेच के आप कमा सकते हैं, यानी वो चीज़ें दिख रही हैं।
उसके बाद 5 और 6 वहीं कंसल्टेशन का और हीलिंग का आपका है, माइंड से पैसे कमाने का, एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज वगैरह दे के पैसे कमाने का, ये चीज़ है। लेकिन लास्ट में 5 और 8 है। अब ये क्या होगा, ये चीज़ें 5 और 8 के कारण वो ख़त्म हो जाएगी, यानी अब आप सोचेंगे नुकसान हो जाएगा, आपने प्रोडक्ट बेचा, आपने उधार लगा दी, अब वो पैसा आपको मिलेगा ही नहीं, यानी आपका डूब गया। 5 और 6, 4, 6, 7 के कारण ये होगा कि सामान तो हम बेच रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, पैसा हमारा डूब गया, क्या फायदा हुआ, अपने छोटी सी बात के लिए कुछ गलत डीलिंग कर ली, अब उसके कारण आपका नुकसान हो गया या आप बदनाम हो गए। नहीं, आपको कहीं किसी को आपने कंसल्टेशन दी, थोड़े से पैसे की लालच हुई, मान लो वो चीज़ें उसकी रिकवर होने वाली नहीं है या उसमें उसको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है और आपने उससे गलत प्रॉमिस कर दी, तो कर दी तो फिर वो क्या होगा, बदनामी होगी। तो ये सब आपने किया और छोटे से लालच के कारण, बुद्धि नहीं अपनाने के कारण आपका नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये सब लेवल पे जाके, यानी सब अच्छा जाएगा और लास्ट में खराब हो जाएगा, तो ये इम्पैक्ट होगा। क्लियर है? यानी जितने भी हाउसेज हैं उसको ऐसे ही देखना है, समझना है और समय परिस्थिति के हिसाब से इसको इंटरप्रेट करना है। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। महेश जी, मनोज जी, बोलिए क्या समस्या है आप लोगों का। ये समझ में आ रहा, थोड़ा क्या समझ में नहीं आ रहा है? प्लानेट नहीं, समझ में जो आ रहा है मुझे वो बोल रहा हूँ। हाँ प्लानेट जो रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्लानेट था, वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा कि शायद आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं या शुरू ही नहीं होगा। फिर जो स्टार लॉर्ड है वो आपका मिड एज का बताएगा कि वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। फाइनल जो रिजल्ट देना है वो एंड में, वो सब लॉर्ड आपका बताएगा। प्लेनेट वाले भी रिजल्ट आपको मिलते हैं, वो स्टार्टिंग में मिले एंड में हाँ मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। ये रिजल्ट वीक होते हैं, अच्छा अच्छा इसका स्ट्रेंथ कम होता है। वीक स्टार लेवल पे जो होता है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और सब ज्यादा। लेवल पे जो होता है उसका सबसे ज्यादा होता है। इसी को कल मैंने पिछली क्लास में यही बताई थी कि सामान्य तौर पे यही समझ लीजिए कि सभी के रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, क्वालिटी बताएगा नहीं, अपना रिजल्ट दे रहा है तभी तो क्वालिटी बताएगा। यानी अब सबको एक साथ जैसे समझ लेना है, ऐसे ही हम मान लेते हैं, जैसे वो छोड़िए प्लेनेट स्टार और सबको हटा दीजिए। ठीक है, अब वो आप सीधा यही समझ लीजिए कि मर्क्यूरी जो है वो रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी प्रारंभिक तौर पे, आप यही समझ लीजिए कि मर्क्यूरी में 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर आ रहा है। ठीक है, इतने भाव के दे रहा है। अभी हम ये नहीं समझ रहे हैं कि प्लेनेट पे है, स्टार पे है, सब पे है, तो तीनों के ही रिजल्ट मिलेंगे, 4, 5, 6, 7 के, यानी चौथे भाव के भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, पांचवें का भी, छठे का भी, सातवें का भी और आठवें का भी। अब बेसिकली आठवां क्या है, समस्याओं परेशानियों का है, तो अब जिस भाव के साथ जुड़ेगा यानी सबके साथ जुड़ेगा, तो सबके साथ जुड़ेगा तो उसमें समस्या आएगी। अब जैसे आप काम मान लो वास्तु से रिलेटेड कर रहे हो, तो 4 और 8 के कारण क्या होगा, हो सकता है आपको जो प्रोजेक्ट मिले कुछ अच्छा हाई पेइंग ना मिले, लोग पैसे ना दें, काम करा लें, आप उधार लगाओ वो डूब जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। 5 और 8 का है तो वहीं आप उधार लगाओगे नहीं मिलेगा, कुछ भी बिना सोचे समझे काम करोगे वो डूब जाएगा, पैसे का नुकसान होगा, बदनामी हो जाएगी। 6 और 8 के कारण वही समस्या और परेशानी देगा, 7 और 8 के कारण बिजनेस से रिलेटेड टेंशन देगा। यानी एक अष्टम भाव सबके साथ जुड़ के उनके रिजल्ट की क्वालिटी को खराब कर देगा। यानी काम आपके सब होंगे लेकिन उसके जो इंड प्रोडक्ट होगा वो आपका खराब हो गया, वो आपका सही नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अब यही चीज मान लो और भी कुंडलियों में आपको देखने को मिल सकती है लेकिन सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, यही रीजन है ना, क्योंकि ये 8 सब लेवल पे है तो ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे वीनस में 8 प्लेनेट लेवल पे है तो ये कम पावरफुल है। तो इसीलिए हम एक साथ सबको सिर्फ समझ लेंगे तो प्रिडिक्शन में गलती हो जाती है। तो हमें ये समझना होता है कि वो जो भाव के रिजल्ट हैं क्या वो प्लेनेट लेवल पे हैं या स्टार लेवल पे हैं या सब लेवल पे हैं। ये जब आप ध्यान रखते हो तो आप सही तरीके से बता पाते हो। नहीं, बाकी रिजल्ट सबके मिलने हैं, प्लेनेट वाले के भी मिलने हैं, स्टार वाले के भी मिलने हैं, सब वाले के, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज मिलने हैं, ये ध्यान रखना है। बोलिए, कोई रेमेडी नहीं रहेगा सर? बोलिए।
जैसे कि 8 नंबर आ रहा है उसके इसमें और वो उसको प्रॉब्लम ही देगा, तो हम तो कुछ करा नहीं सकते, उसका क्या करेंगे? हाँ होना ही है, उसका होना ही है, 8 नंबर की वजह से लॉस होना ही है हर चीज में। पहले आपके माइक का लॉस हो जाना है और उसके बाद आपका भी लॉस हो जाना है। आपको बार हेलो, बार मैं यही बोल रहा हूँ कि अपनी माइक चेंज करो, आवाज आ नहीं रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, वो आप ध्यान उसको दे नहीं रहे हो। बार आ रही है क्या आवाज? अभी बार उसमें से कड़कड़ की आवाज आ रही है, लग रहा है जैसे आप तूफान में बैठे हुए हो, तो इसलिए उस चीज़ को चेंज करो। हाँ, जब क्लियर क्लैरिटी नहीं आएगी और लोग भी डिस्टर्ब होंगे ना, सब सुन नहीं पाएंगे। बोलिए फिर से। माइक आ बदलना। हाँ अभी आ रही है सर। रही है लेकिन बीच में बादल भी गरज रहे हैं उसमें। बोलिए। महेश अच्छा ठीक है, मौसम अच्छा नहीं है। जी, नेटवर्क बदल ही लीजिए। क्या है कि बार बार आदमी का नेचर शो करता है, आपके हर एक्टिविटी में ये चीज रहेगा। सिर्फ माइक का प्रॉब्लम नहीं है, जीवन के जितने भी काम कीजिएगा हर चीज में ऐसा लगा रहेगा। ये आपका अच्छा मतलब शो करता है आपका नेचर। आपका काम भी अच्छा इसी तरह का आधा अधूरा, मतलब अच्छा ठीक है इतना नहीं हुआ तो क्या हुआ करके, है ना, रह जाएगा, उसको सुधार कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक है सर, मैं बिल्कुल रोहन सर की बातों से समझिए, अनुभव है ना, अनुभव से यही चीज ना, अभी हमारी टॉपिक चल रही है, यही बात हो रही है। हो सकता है कहीं आप में भी 5-8 एक्टिवेट हो, इसके जी कारण सर, होगा हमारे ही। सुझावों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतने दिन से हो रहा है, माइक को बदलिए, आप नहीं बदल रहे हैं। नहीं तो समझिए, बोलिए कर लिया जाए क्या। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि वो 8 नंबर का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता ये। सॉल्यूशन क्या है? देखिए वही बात, अभी सॉल्यूशन पे फोकस मत करो, पहले प्रिडिक्शन पे समझो, प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे। नहीं तो अभी सॉल्यूशन पे आओगे तो फिर जब सॉल्यूशन पढ़ाएंगे हम, तब फिर आप प्रिडिक्शन पे आओगे कि फिर ये कैसे होगा। इसीलिए अभी सॉल्यूशन को भूल जाइए। मान लीजिए दुनिया में सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ प्रिडिक्शन है, तो उस पॉइंट पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये अब मैंने कुछ यहाँ कॉम्बिनेशन लिखे थे। अब ये जरूरी नहीं है कि जितना मैंने लिखा उतना ही कॉम्बिनेशन होगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 12 भाव है ना, बस उनको रिलेट करने का यही प्रोसेस है, यही तरीका है। क्लियर? ऐसे ही आपको करना है। सामान्य तौर पे मैं कहूं तो लग्न यानी पहले कसपल सब लॉर्ड में 8वां भाव का नहीं होना ही सबसे बेटर है, अष्टम भाव ना हो ये सबसे बेटर है। ठीक है, बाकी 6 और 12 हैं, लेकिन उसके साथ यदि 11 आ गया तो कोई समस्या की बात नहीं है। क्यों समस्या की बात नहीं है? क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है ना, लाभ का है। ठीक है, तो 6ठा भाव आप बीमार भी होते हैं तब भी कोई 11वां भाव है ना आपको सही करने के लिए चीजों को, पैसे का भी तो है ना 6ठा भाव, तो 11 जुड़ गया तो पैसे भी देगा, पैसे की भी माइंडसेट देगी, और वो आपके लिए बीमारी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो कोई इशू नहीं रहेगी। यानी या मान लो 8वां भी आता है, लेकिन यदि 11वां आ जाता है आपके पहले कसपल सब लॉर्ड में, तो वो काफी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल स्थिति हो जाती है। वो बेनिफिशियल किस केस में होती है? मान लो आपके खर्चे हो रहे हैं, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस खर्च को पूरा करने के लिए कोई फाइनेंसर मौजूद है नहीं, यानी तुम खर्चा करो मैं दे रहा हूं, तो वो भी एक प्रकार की हेल्प ही हुई ना, सॉल्यूशन ही हुआ ना। अब आप रिजिड होके बैठ जाओ, नहीं खर्चा ही नहीं होना, अब इसका तो कोई मतलब नहीं बना, समझ रहे हो बात? तो सबसे आदर्श स्थिति यह है कि इसमें अष्टम भाव ना हो, 8वां नहीं है और 11वां है, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। ठीक है, यदि कई बार ऐसा होता है सबकी कुंडली में फर्स्ट कसपल सब लॉर्ड में 11वां नहीं होता, नहीं होता कोई बात नहीं है, 8वां कम से कम ना हो, 11 नहीं है तो फिर 8 और 12 भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, 8 और 12 नहीं है तो बहुत ही अच्छा स्थिति है। क्लियर है? तो पहला कसपल सब लॉर्ड से हेल्थ से लेके बाकी जितने सारे मैटर होते हैं, जो भी हाउस रहेगा उससे रिलेटेड मैटर आपके सामने आएगा, यानी वो उस जातक के जीवन में हमेशा परमानेंटली एक्टिव रहेगा। क्लियर है? एक चीज और मैं बताना भूल गया, वो बता देते हैं। पहला कसपल सब लॉर्ड यदि 5-9 का है, 5-9 या 1-5-9, इस तीन का रिजल्ट दे रहा हूं, तो चूंकि ये तीनों धर्म त्रिकोण के भाव है, पहला पांचवा और नौवा 1-5-9। ठीक है, ऐसा जातक धार्मिक नेचर का हो जाता है, स्पिरिचुअल नेचर का हो जाता है, आध्यात्मिक। ठीक, तो ऐसे लोग धार्मिक जब नेचर का हो गया
अब इस प्रिडिक्शन को हम अच्छा मानेंगे या खराब मानेंगे, समझ रहे हैं? हम इस चीज को 30 40 50 साल पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से माने, या फिर हम इस चीज को हम ऐसे समझें कि उस बच्चे को इस पारिवारिक जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, उसको जैन मुनि बन जाना है, सन्यासी बन जाना है, आश्रमों में ही रहना है, नहीं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, लेकिन इस पारिवारिक जीवन में रहना है, परिवार के साथ साथ उसके अपने जो भी जीवन के खर्चे वगैरह इन सबको मेंटेन करना है, तो उस स्थिति में ये नुकसानदायक हो जाता है, परेशानी वाला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 1 5 9 भाव धर्म त्रिकोण वाले भाव हैं, ये धन की हानि करते हैं, 2 6 10 की हानि करते हैं, तो आपका माइंडसेट ही धन वाला नहीं होगा, पैसे वाला नहीं होगा। ऐसे लोग यदि स्वयं का अपना बिजनेस करते हैं तो अपने माइंडसेट के कारण ही नुकसान उठा लेते हैं, नुकसान उठा लेते, समझ रहे हैं? मतलब ये इस चीज को फिर से मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, समझिए। पहले कसपल सबलॉर्ड में 1 5 9 है, इसका मतलब ये नहीं है कि धन का नुकसान है, पहले भाव का धन से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, वो आपके माइंडसेट का है, तो चूंकि आप ही की माइंडसेट है ना, मान लो पहला कसपल सबलॉर्ड आपका 1 5 9 दे रहा है, आपके बिजनेस की हम बात करें, वहां 7वां कसपल सबलॉर्ड जो बिजनेस का बताता है, या 10th कसपल सबलॉर्ड जो पोजिशन ये प्रोफेशन को बताता है, उसमें धन वाले भाव हैं, 2 6 11 है, ठीक। अब इसको देख के आपने पहले भाव पे ध्यान नहीं दिया और जातक को सजेस्ट कर दिया कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, पैसे आएंगे, तो वो क्या होगा, बिजनेस में पैसा तो आएगा, यानी वो आदमी जो काम करेगा, क्योंकि 7वां और 10वां कसपल सबलॉर्ड में धन वाले भाव हैं, आपने कोई भी एक दुकान खोला, ग्राहक तो आ ही रहे हैं, ग्राहक उसके पास आएंगे, सामान बिकेगा भी, ठीक, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो गलती कहाँ करेगा? गलती ये होगा जैसे उसमें कोई आएगा, अपनी समस्या परेशानी बताएगा, बहुत जरूरी है हमारे यहाँ सामान ले जाना, पैसे की कमी है, इस प्रकार से, अब आप क्या करोगे, उसको पैसे उधार दे दिए, सामान दे दिए, वो गया गायब हो गया, अब वो क्या हो गया, आपके माइंडसेट की वजह से। यहाँ भी ये आदमी कहे कि बिजनेस नहीं चल रहा है तो ये गलत है, बिजनेस तो चल ही रहा है, तुम्हारी अपनी माइंडसेट है कि तुम अपने व्यवहार के कारण जो आध्यात्मिक धार्मिक विचार है, तुम लोगों के दुख को देख के दुखी हो गए और उसके भावना जो उसकी छल कपट है उसको नहीं समझ पाए और उसमें तुमने अपने धन का नुकसान कर लिया, जिसने जो कहा वही तुमने मान लिया, तो ऐसे लोगों का नॉर्मली बिजनेस के तरफ का एटीट्यूड भी नहीं होगा, जो बिजनेस से संबंधित जो भी चीजें आपको अपडेशन से लेके सारी चीजें स्ट्रेटजी वगैरह होनी चाहिए उसमें भी उसका ध्यान नहीं लगेगा, तो क्या होगा, वो नुकसान होना है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी यदि इसका कोई भी घर परिवार का कोई आदमी है उसके साथ में, तो उसको भी साथ में जोड़ के पार्टनरशिप के तौर पर काम करे, कि मतलब उसको आप जोड़े रहो, जोड़े रहो से मतलब जैसे वो आए काउंटर पर बैठे, जो भी थोड़ा बहुत डिसीजन लेना है वो करे, लेकिन बाकी फाइनेंशियल डिसीजन वो कम्प्लीटली ना ले, ऐसा नहीं किसी को उधार देना है तो उसके भरोसे नहीं है, वो चीज़ दूसरा जो बंदा है वो करे कि नहीं आपको उधार नहीं देना है, या फाइनेंस का मैटर है तो आप मुझसे पूछ के करो, वो जैसे मैं बताऊंगा तब करो, तो इस प्रकार से आप उसका लाभ उठा सकते हैं, अदरवाइज वो अपने स्वयं के दिमाग से करेगा तो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उसका मनी वाला माइंडसेट नहीं है, और मनी वाली माइंडसेट नहीं है, आपको पता है ना कि आज के समय में बिजनेस की क्या प्रतिस्पर्धा है, नहीं मार्केट में कितना कंपटीशन है, इसके हिसाब से मार्केट तो डिमांड करेगा ना, पैसे कमाने की बात है, जो ठेला वाला भी पैसा कमाता है, बात उसकी नहीं हो रही है, बिजनेस की हो रही है, बिजनेस डेवलपमेंट की हो रही है, वो चीज है। तो ऐसे लोग एक तरह से आप कहो जो अवघड़ दानी वाला जो केस हो जाता है ना, दिमाग आ जाती है कि मतलब उस पे चलो वो मांगो वो दे देगा, वो कहेगा वो उधार दे दिया तो किसी से मांगेगा भी नहीं, कोई अपनी समस्या बता दिया तो फिर उधार दे देगा, इस प्रकार से, तो इस कारण ये लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्लियर है? तो 1 5 9 और 5 9, तो इसलिए इस माइंडसेट के कारण, धर्म त्रिकोण के कारण जातक को अपने प्रोफेशन में और धन का नुकसान उठाना पड़ता है, यहां तक क्लियर है? ऐसे लोग नौकरी के लिए ज्यादा परफेक्ट होते हैं, आप नौकरी करो, टीचिंग करो, इस प्रकार के जो गाइडेंस वाले वर्क हैं, ऐसे लोग जैसे प्राइवेट टीचर बनते हैं, कोचिंग चलाएंगे तो पता चलेगा बैच के 20 30 40% बच्चे फ्री में ही पढ़ रहे हैं, एक बार पैसे दिए फिर 3 महीना बाद देगा, 4 महीना बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम बताते रहेगा, उस पैसे से फी वाले पैसे से अपना काम करता रहेगा और सर से अपनी समस्या बताता रहेगा, परेशानी बताता रहेगा। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी करने आएंगे तो हर आदमी बोलेगा हम समस्या में है, आप बताइए कितने लोग सुख से कंसल्टेशन लेने आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, बताइए, नहीं, यानी कोई भी उसको पैसे ही नहीं देंगे, हर आदमी ये कहेगा हम परेशानी में हैं,
देख लीजिए, तो उससे पूछेगी भाई ये बताओ, अब डॉक्टर के पास बीमारी आदमी जाता है, अब वो कहे कि हम बहुत बीमार हैं पैसा मत लीजिए, तो वो डॉक्टर कहेगा ना कि कितने सुखी लोग, मतलब जो निरोगी लोग हैं, जो बीमार नहीं है, स्वस्थ लोग हैं, वो डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हम स्वस्थ हैं, ये 500 रुपया अपना कंसल्टेशन कर ले लीजिए। ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करता है। तो वही एक क्वेश्चनों के कारण आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपका जो प्रोफेशन है वो नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये लोग जैसे करते हैं ना, तो पैसे बिजनेस डीलिंग के लिए, पैसे से संबंधित डीलिंग के लिए किसी आदमी को रख लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मान लो एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, वकील हैं, सीए हैं, इस प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार के कंसल्टेंट हैं, सर्विसेज देते हैं, तो ये लोग एक असिस्टेंट को रख लें, पैसे की बात हुई तो बोल लें कि हाँ उससे मेरे असिस्टेंट से बात कर लो, ठीक। तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो गई, कि चूंकि काम तो यही बंदा कर रहा है ना, बस ये है कि ये पैसे नहीं मांग पाएगा, वो डीलिंग नहीं होगी, इसको नुकसान ज्यादा होगा, तो इसके लिए ये रेमेडीज हो गई कि पैसे का जो डीलिंग है वो असिस्टेंट से कर लो, ऐसे हो जाएगा सिंपल। या बिजनेस इन्वेस्टमेंट मॉडल पे कर दे, इन्वेस्ट करके किसी को दे दे, जो भी घर में है या कोई भी स्टाफ वगैरह किसी को, तो उसमें काम चल जाएगी। इस प्रकार से बड़े बड़े ब्रांड्स का बिजनेस ले ले, जिसमें फ्रेंचाइजी मॉडल है, उधार वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो वो काम उसका चल जाएगा। क्लियर है या कोई समस्या है इसमें? सर, ये फर्स्ट फर्स्ट हाउस के लिए ये दशा का कुछ रोल नहीं है ना? दशा भी आएगा ना, ये जा रहे सभी पूरे 1 से 12 भाव का जो हम घटनाक्रम पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद फिर आएगा ना भाव कब होगा। नहीं, अभी जैसे ये 5 और 8 का बताया एग्जांपल में, तो अभी ये जो सन लिखा हुआ है, तो क्या ये फर्स्ट फर्स्ट हाउस के लिए भी एप्लीकेबल है सन का रोल, या फर्स्ट इसमें नहीं है रोल अप्लीकेबल है, इस दशा का अप्लीकेबल नहीं है इसमें? अभी आप दशा पढ़ रहे हैं कि दशा को आप ले रहे हैं? नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको कि आप जो सन नहीं का रोल क्या होगा इसमें? पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िए, आप फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट बराबर, कस्पल पढ़ रहे हैं तो वहीं फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड यदि मर्क्यूरी है तो यहीं पढ़िए कि पहले कस्पल सब लॉर्ड यानी मर्क्यूरी का ये परिवार है सन, तो ये पहले कस्पल सब लॉर्ड से संबंधित जो रिजल्ट होते हैं उसको ये बताएगा। समझ तो देना, अभी यहीं समझना है, यदि ये सातवां कस्पल सब लॉर्ड होता तो सातवां यानी बिजनेस के बारे में जानना है, मैरिड लाइफ के बारे में जानना है, तो वो चीज़ ये बताएगा। अब उसके बाद जब 12 भाव हो जाएंगे फिर हम दशा पे चलेंगे कि दशा का क्या रोल होता है, तो उस दशा में भी ये सारे प्लेनेट आएंगे, लेकिन दशा के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। जैसे केतु का दशा होगा तो उसके अलग इम्पैक्ट होंगे, वीनस का होगा तो उसका अलग होगा, सन का होगा तो अलग होगा, तो वो तब है जब आपको 12 भाव कंप्लीट हो, क्योंकि तो उस 12 भाव से संबंधित मैटर का ही रिजल्ट ना दशा में देखना है। 1 से 12 भाव जब आपको पता रहेगा उसी का रिजल्ट ना दशा में देखिएगा, ये तो दशा सर वो कैसे। माइंडसेट माइंडसेट चेंज करेगा। दशा सबसे बड़ी कोई भी दशा, जैसे शुक्र की दशा आती है वो 20 साल की है, तो 20 साल की है लंबा समय तक चलेगा, तो वो डेफिनेट सी बात है कि उस प्रकार के माइंडसेट को आपको कर देगा। नहीं, राहु की दशा 18 साल की है तो आपके माइंडसेट को बदलेगा, बड़ी दशा होती है ना, तो बड़ी दशा है तो उसका रोल तो है। अभी दशा पे आप फोकस मत कीजिए, नहीं अभी नहीं बनी नहीं मैं समझ गया। रहिए, उस हिसाब से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना वो सारी चीजें मिलेंगी। इसके पहले तक आप सब लॉर्ड में कंफ्यूज थे, अब नहीं है ना, चीजें आई तो पता तो जल्दी गई, सब लॉर्ड क्या है, स्टार लॉर्ड क्या है, तो जैसे जैसे जो टॉपिक आएगा आपका क्लियर होता जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए।